सलमान खान है देशद्रोही। देखिए निश्चित रूप से सलमान खान तब भी देशद्रोही था, आज भी देशद्रोही है। क्या बिग बॉस 12 के लिए स्वामी ओम को सलमान खान ने दिया बड़ा ऑफर? इस बार भी मेरे पास में सलमान आए थे, बिग बॉस के लोग आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जो धर्मपुत्री है राधेमा, उनके साथ में आप जोड़ी बना करके आप आ जाइए राधेमा जाने के लिए। सलमान खान ने आपसे खुद बोला? मिलके गए। क्या सलमान खान को सच में घसीट कर मारा स्वामी ओम ने? सलमान खान को जो मैंने 30 दिसंबर 2016 को घसीट घसीट के मारा था। क्या दाऊद और सलमान खान के हैं गहरे रिश्ते? मुझे दाऊद इब्राहिम ने मना किया हुआ है कि सलमान खान को आपने घसीट घसीट के मारा, सलमान खान दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड है। स्वामी ओम ने लड़कियों के कपड़े पर किया अश्लील कमेंट। कपड़े से संस्कृति आती है क्या? बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। कपड़े से क्या संस्कृति आती है? कपड़े से कैरेक्टर थोड़ी डिसाइड होता है? बिल्कुल होता है। बिल्कुल नहीं होता है। स्वामी ओम ने खुद किया इस बात का खुलासा। देखिए हमारा एक खास प्रोग्राम, हमारा एक्सक्लूसिव मुलाकात स्वामी ओम के साथ, हमारी एक खास बात करते हैं बिग बॉस की। बिग बॉस 12 शुरू हो चुका है, जैसा कि बिग बॉस 10 के आपने कहा अभी कि आप सुपर हीरो रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? डेफिनेटली देखिए बिग बॉस 10 में जब मुझे लेके गए थे, बिग बॉस 9 में भी मेरे पास में ये लोग आए थे, तब भी मुझे 5 करोड़ का ऑफर किया था। लेकिन चूंकि मैं टेलीविज़न नहीं देखता हूँ, फिल्म नहीं देखता हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो मैंने उनको मना कर दिया था। जब 2016 में सलमान खान, मुकेश अंबानी वगैरह सारे ये लोग आए, तो मैंने तब भी मना किया था। तो लेकिन उन्होंने मुझे एक बात कही, मेरी एक कमजोरी है, मेरी और कोई कमजोरी नहीं है, एक ही कमजोरी है कि मेरे जो गुरुजी थे स्वामी कर्पात्रेय जी महाराज, ये चारों जगत गुरु शंकराचार्य मेरे गुरु भाई हैं, मुझे भी शंकराचार्य बनाया जा रहा था, संजय गांधी इंदिरा गांधी की वजह से मैंने वो बनने से इनकार कर दिया था। तो इन्होंने मुझे ये कहा कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मैंने कहा बिल्कुल ठीक। इन्होंने कहा कि आप राम राज्य बनाना चाहते हैं, मैंने कहा बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने कहा कि सलमान ने मुझे खुद कहा कि स्वामी जी आप जब बिग बॉस में आएंगे तो मैं रहूँगा आपके साथ में, अमिताभ बच्चन रहेंगे, आपकी जो हॉलीवुड बॉलीवुड के जितने भी आपके सुपरस्टार हैं वो सारे के सारे रहेंगे, और वो इसलिए रहेंगे कि जिसको जो डायलॉग आप बोलने के लिए कहेंगे हिंदू राष्ट्र और राम राज्य के पक्ष में, वो डायलॉग बोलेंगे और इस तरह से आप हिंदू राष्ट्र राम राज्य बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये मेरी कमजोरी थी, पैसे के लिए मैं नहीं गया था, पब्लिसिटी के लिए मैं नहीं गया था, परमात्मा की कृपा है। लेकिन पब्लिसिटी तो आपकी खूब हुई थी जब से आप बिग बॉस 10 से वापस लौटे, विवादों में खूब रहे। देखिए वो तो सारे आपकी तरह राष्ट्रवादी मीडिया नहीं है, मेरे विरोध में 56 मुस्लिम देशों की मीडिया लगी हुई है और 150 ईसाई देशों की मीडिया लगी हुई है, जो मेरे माध्यम से मेरे बहाने से भारतीय संस्कृति का सर्वनाश करने पे तुली हुई है। उसमें से बिग बॉस शो भी एक कारण है, एक शो है। बिग बॉस शो में इस बार भी मेरे पास में सलमान आए थे, बिग बॉस के लोग आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जो धर्मपुत्री है राधेमा, उनके साथ में आप जोड़ी बना करके आप आ जाइए राधेमा जाने के लिए। सलमान खान ने आपसे खुद बोला? दिल्ली में मिलके गए। अच्छा। ये अभी जो माल्टा जो गए थे शूटिंग के लिए, उससे पहले भी मेरे से मिलके गए और अभी भी। तो आप क्यों नहीं गए जब इतना बड़ा ऑफर सलमान खान ने दिया राधे माँ के साथ जाने का? आप भी स्वामी, वो भी स्वामी, फिर क्यों नहीं गए? देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप ये देखिए भारतीय संस्कृति का सर्वनाश करते हैं ये। मैंने अनूप जलोटा को मना किया था, अनूप जलोटा को जब इन लोगों ने सेलेक्ट किया तो मैंने अनूप को कहा कि आप भजन सम्राट हैं, ये आपके माध्यम से हिंदू संस्कृति को नंगा कर देंगे, और वही कल हुआ भी है। कल जब अनूप जलोटा को सलमान एंट्री कराई गई तो सलमान ने उनसे पहले ये बुलवा लिया कि जो जसलीन जो है वो अनूप जलोटा की शिष्या है, और उस वक्त एक कपट पूर्ण मुस्कुराहट के साथ में सलमान ने कहा अच्छा आपकी शिष्या है। फिर जो एक रिकॉर्डिंग करके पहले से उन्होंने छिपा करके रखा हुआ था जिसमें वो लड़की और अनूप कहते हैं कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और ये रात आप अब खोलेंगे, ये उसको पूरा वीडियो को दिखा करके जो उनकी प्रतिष्ठा थी भजन सम्राट की उसको एक मिनट में ही ख़त्म कर दिया। तो ये जो बिग बॉस शो है ये भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को सर्वनाश करने में लगी हुई है, और निश्चित रूप से बिग बॉस 10 में आपके साथ क्या क्या हुआ था आप बताएंगे? क्योंकि साध्वी को लेके कुछ विवादों में आप रहे थे। ऐसा है कि बिग बॉस 10 में मैंने आपको पहले बताया कि
कि जैसे मुझे कुछ पता नहीं था जी, वो तो अंदर जो भी रहता है उसे पता नहीं होता कि बाहर क्या टेलीकास्ट हो रहा है। मुझे बिग बॉस शो के बारे में कुछ पता नहीं था कि ये क्या शो है, क्योंकि मैं टीवी देखता नहीं। तो जिस वक्त मैं बिग बॉस के घर में मुझे ये लोग लेके गए, तो जहाँ पर सलमान खान स्टेज पे आकर के अपना वो 100-100 रिटेक देकर के जो डायलॉग तैयार करता है, वो बोलता है, उसके ठीक पीछे सलमान खान का एक बहुत बड़ा हॉल है, एयर कंडीशन हॉल है, उसमें 4 बेड लगे हुए हैं, और उसी में से मेरे हमारा जो बिग बॉस वाला घर है उसका एक दरवाज़ा खुलता है। तो आप ये देखिए कि ये दुनिया को नहीं मालूम, मैं सलमान खान जब शुक्रवार को आते थे तो सलमान खान मुझे बुलाते थे और मैं उनके रूम में जाता था। अच्छा। उस दिन भी जो मैं ये 15 अक्टूबर 2016 की बात है, जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग हुई थी वो 15 अक्टूबर को हुई थी, दिखाया गया था 16 अक्टूबर को। तो सलमान खान के रूम में ये लोग डायरेक्ट हमको होटल से सीधे सलमान खान वाले रूम में लेके गए। वहाँ पर बिग बॉस के सारे स्टाफ, उनके बाउंसर्स, सलमान खान, दीपिका पादुकोण जो फिल्म एक्ट्रेस है, ये लोग सारे के सारे थे। मुझे सलमान ने ये कहा कि स्वामी जी, मुझे मालूम है कि आप घर में जाने के बाद आप भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब आप हमारे कैद में हैं, हमने आपको एक तरह से आप समझ लीजिए हमने किडनैप कर रखा है। हमको ये मालूम है कि आपको नहीं मालूम कि आपको एक्टिंग आती है, लेकिन आप एक्टिंग के आप किंग हैं। जो डायलॉग हम आपको देंगे, हमको 100-100 रीटेक देना पड़ता है, आप विदाउट रीटेक के आप वो एक्टिंग करेंगे। तो मैंने उनको मना कर दिया था कि भाई यदि ये सब है तो मैं इसमें भाग लेने वाला नहीं हूँ। आपके कहने का मतलब है कि बिग बॉस प्री प्लान्ड होता है और टोटली स्क्रिप्टेड होता है। जिस घर में हमको दिखाया जाता है उस घर के चारों तरफ 400 स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, 24 घंटे हम लोगों के लिए डायलॉग लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं और हमसे प्रैक्टिस कराते हैं। उसमें से जो टेक सबसे बेस्ट आता है सिर्फ उसको दिखाया जाता है, बाकी को नहीं दिखाया जाता। आपने सपना, सलमान खान और ढिंचक पूजा को लेकर एक बयान दिया था कि आपने इन लोगों को बनाया है। देखिए, ढिंचक मेरी धर्मपुत्री है, सपना मेरी धर्मपुत्री है। मैं आपको एक चीज, सलमान खान की जो माँ है सुशीला, वो तो हिंदू हैं, वैसे सलमान नाम दिया हुआ है उनके पति ने, सलीम भाई ने। तो सुशीला को मैंने गणपति मंत्र की दीक्षा दी हुई है और वो पहला मुस्लिम घर है जिसमें सुशीला के बेडरूम में मैंने भगवान गणपति का मंदिर आज भी रखा है। अभी भी गणेशोत्सव में वहाँ पर मूर्ति रखी गई है और पूरा खानदान, चाहे वो हेलन ईसाई है, चाहे वो सलमान मुसलमान है, चाहे वो सलीम मुसलमान है, ये सब के सब वहाँ पर पूजा करते हैं प्रतिवर्ष। तो सुशीला आज भी मराठी ब्राह्मण हिंदू ही है, इंटरनली, एक्सटर्नली पति की वजह से वो भले ही सलमा बन गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस दृष्टि से चूंकि सुशीला मेरी शिष्या है तो सलमान मेरी शिष्या का बेटा है तो मेरा तो है। देखिए, सलमान खान को जो मैंने 30 दिसंबर 2016 को घसट घसट के मारा था, उसके पीछे ये कारण नहीं था कि सलमान खान से मैं नफरत करता। लेकिन आपने सलमान खान को मारा था, वो वीडियो नहीं दिखाई दी, हम वो वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आपके पास हो कोई क्लिप। ऐसा है कि वो बिग बॉस ने रिकॉर्डिंग की हुई है, अगर आपके पास, सुनिए, मेरे पास कहाँ से आएगा, वो तो उनकी प्रॉपर्टी है। आप बिग बॉस का कोई भी सीन, आप इतने बड़े स्वामी हैं, स्वामी ओम हैं, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं है, देखिए, जो रूल है, जो कानून है, कॉपीराइट उनका है, तो वो जब तक किसी को नहीं, अभी भी आप वहाँ से, उसमें से आप एक 5 सेकंड का भी कोई क्लिप आप लेना चाहें तो नहीं ले सकते, तब तक जब तक वो आपको देना नहीं चाहें, और उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, रिटर्न में परमिशन होगा तब जाकर के मिलेगा। यहाँ तक कि मेरा जो उन्होंने प्रोमो, लेकिन आपने सलमान खान को मारा है, बहुत बड़ी बात है, आपको क्लिप जरूर लेनी चाहिए। तो मैं क्लिप कहा, मैंने क्लिप उनसे मांगा है और वो नहीं दे रहे हैं, तो उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट उनका है। आप ये देखिए ना, वो तो सलमान खान है, मेरा जो, आपने कहा ना कि अगर रिटर्न देते हो तो वो क्लिप दे देंगे, तो आपके, वो उन्होंने साफ मना कर दिया मुझे, मैंने मांगा हुआ है, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि मुझे दाऊद इब्राहिम ने मना किया हुआ है कि सलमान खान को आपने घसीट घसीट के मारा, सलमान खान दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड है, इसीलिए हम आपको नहीं देंगे। मेरा अपना जो प्रोमो है, जो प्रोमो दिखाया गया कि मैं मंत्र जप रहा हूँ, हवन कर रहा हूँ, वो प्रोमो तो मुझे दे सकते थे, वो प्रोमो भी मुझे नहीं दे रहे। ठीक है, जाते जाते आप सलमान खान और पीएम मोदी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से सलमान खान तब भी देशद्रोही था, आज भी देशद्रोही है। मैं पब्लिक से ये कहूँगा कि यदि आपको अपने घर को संस्कृतिमय रखना है तो बिग बॉस या कलर चैनल का कोई भी प्रोग्राम ना देखें, जैसे स्प्लिट इंडिया वगैरह है, सब देश को बर्बाद करने वाला है। आप ना उसका कोई फिल्म देखें,
आपको यदि देश से प्यार है, अपने संस्कृति से प्यार है, तो आप ये देखिए ना कि कल भी जो दिखाया गया है तो वो में लड़कियों को नचा रहे हैं, तो यही संस्कृति हमारे बच्चे ग्रहण करेंगे। अब आप भी बेटी हैं, आपने इतना अच्छा कपड़ा पहना हुआ, कपड़े का मतलब होता है जो कपड़े से संस्कृति आती है क्या? बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती कपड़े है। से क्या संस्कृति आती है? कपड़े से कैरेक्टर थोड़ी डिसाइड होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा आप समझती है, देखिए हमारी शायद आप भी गलत समझते हैं। ना ना, मुझे गलत समझने की जरूरत है, हम तो अपने परंपरा के पोषक हैं, हम भारतीय परंपरा के पोषक हैं। माँ जानकी ने कभी भी कच्छा पहन करके वो कहीं नहीं घूमी है। माँ हमारी जो महाकाली महालक्ष्मी हैं, उन्होंने कभी भी कच्छा पहन करके अपने भक्तों को वरदान नहीं। महाकाली महादेवी की बात मत करिए, हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए हम यहीं खत्म करना चाहेंगे। आप हमारे स्टूडियो में जरूर आइएगा, हम आपकी बात को पूरी